ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। ये द हिंदू का आज का एक आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। क्यों? बीपीएससी में जो सवाल पूछा जाता है जीएस पेपर टू में, टेक्नोलॉजी को लेके, साइंस एंड टेक को लेके, और आप और हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप फेक, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, ये सब बात चलता है, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव में डीप फेक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके टेक्निकलिटी में जाना है, मतलब कि डीप फेक क्या है इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसका पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, कब इसका यूज़ किया गया है, ठीक है। दो तीन एग्जाम्पल इसका, ठीक है, वो कैसे हार्म पहुँचाएंगे, फिर डीप फेक को लेकर लॉ क्या है, रेगुलेशन क्या है इंडिया में और बाकी बाहर के कंट्री में, अब्रॉड में क्या रेगुलेशन है, और वे फॉरवर्ड इसका क्या होना चाहिए, मतलब आगे का सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आगे एक सरकार को एज अ सिटीजन, एज अ सिविल सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, और एज अ गवर्नमेंट सरकार को क्या लेजिस्लेशन लेके आना चाहिए। तो ये लब्बुल लुआब है इस आर्टिकल का। आई होप कि आप इसको सीरियसली देखेंगे और नॉट जस्ट फॉर द टाइम पास। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो बीपीएससी बेसिक्स के नाम से ही है, वहीं पे इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे इस पेज का, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो ये रश्मिका मंदाना का एक आया था वीडियो, मतलब सो कॉल्ड वीडियो जो था रश्मिका मंदाना का था नहीं, बट दैट वीडियो वॉज मैनिपुलेटेड बाई यूजिंग द डीप फेक टेक्नोलॉजीज, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके और डीप फेकिंग किया गया था, ठीक है। तो ये डीप फेक बार बार आ रहा है, डीप फेक का मतलब क्या हुआ भाई? तो डीप फेक का मतलब होता है ना, डीप फेक्स आर डिजिटल मीडिया वीडियो ऑडियो एंड इमेजेस edited and manipulated using artificial intelligence. So deepfake is, you आप कह सकते हैं कि deepfake एक digital product है which has been produced by using artificial intelligence, ठीक है। और इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ negative connotation है, कि सिर्फ negative लिख देना है, कि नहीं, introduction में negative नहीं लिखना है। deepfake एक technology है, deepfake टेक्नोलॉजी के यूज का एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका पॉजिटिव यूज होगा या नेगेटिव यूज होगा वो हम पे डिपेंड करता है। तो इसका डेफिनेशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। डीप फेक्स आर डिजिटल मीडिया वीडियो ऑडियो एंड इमेजेस एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI का यूज करके क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन क्रिएट करता है। हाइपर रियलिस्टिक, रियलिस्टिक तो नहीं होता है कि एकदम रियल हो, बट हाइपर रियलिस्टिक है, ठीक है, एकदम क्लोज टू जो ओरिजिनल वीडियो, क्लोज टू ओरिजिनल इमेजेस जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो डिजिटल फॉल्सिफिकेशन है, तो ये कीवर्ड है, इसको यूज कर लेंगे। दे कैन पोटेंशियली बी यूज टू डैमेज रेप्यूटेशन एंड अंडरमाइन ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। अब ये देखिए, यहाँ पे इसका नेगेटिव है, ठीक है, कि भाई इसका, अब अगर आप बात करें कि डीप फेक का क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो दिमाग में सबसे पहले आएगा कि नेगेटिव इसका यूज होता है। क्या भाई? तो किसी के इमेज को, किसी के वीडियो को डिस्टॉर्ट कर दें डीप फेक का यूज करके, उसको मैनिपुलेट कर दें और फिर उसको सर्कुलेट कर दें, तो किसी के रेपुटेशन को हम लोग खराब कर सकते हैं। डीप फेक का यूज करके क्या कर सकते हैं कि किसी लीडर का डीप फेक वीडियो बना दें और इलेक्शन कैंपेन के समय उसको सर्कुलेट करा दें, तो ये हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का एज है, मिस इंफॉर्मेशन में ये डीप फेक जो है एक नेक्स्ट लेवल पे चीजों को लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो हमारे जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उस हिसाब से दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, हैव डीप फेक्स बीन यूज इन पॉलिटिक्स? क्या पॉलिटिक्स में इसका यूज हुआ है? तो देखिए, बहुत बार यूज हुआ है। एक 2020 में चुनाव था, दिल्ली असेंबली का चुनाव था, उसमें मनोज तिवारी जो MP हैं और भोजपुरी एक्टर भी हैं, तो सिंगर हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो मनोज तिवारी का एक डीप फेक वीडियो था जिसमें वो तीन अलग अलग लैंग्वेज में बोलते सुनाई दे रहे थे, जिसमें वो एलिगेशन लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल पे, बट ये उनका ओरिजिनल वीडियो नहीं था, दैट वाज डीप फेक। इसको हम अपने आंसर के एग्जांपल में दे सकते हैं जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो, ठीक है। दूसरा, जो अभी रिसेंट का चुनाव हो रहा था मध्य प्रदेश में, जो स्टेट असेंबली का चुनाव हो रहा था, तो उसमें कमलनाथ जो वहां के कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे, तो उनका एक वीडियो डीप फेक का यूज करके जारी किया गया था। और जो सबसे खतरनाक आप एग्जांपल दे सकते हैं, व्लोदोमिर जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, तो उनका एक डीप फेक वीडियो बना दिया गया। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो व्लोदोमिर जेलेंस्की जो है वो अपने यूक्रेनियन कॉम्पेट्रियट को, अपने आर्मी को, अपने लोगों को, कंट्रीमैन को बोल रहे हैं कि हथियार डाल दो,
है ना, और इसको सर्कुलेट कर दिया गया। तो डीप फेक देखिए कितना खतरनाक हो सकता है कि राष्ट्रपति का एक डीप फेक वीडियो बना दिया गया और उसके आर्मी को बोल, वो अपील कर रहा अपने आर्मी से कि हथियार डाल दो, हम जंग हारने वाले हैं या हार जाते हैं, है ना। तो डीप फेक का इतना खतरनाक यूज हो सकता है, बट इसका अच्छा यूज क्या हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने तरफ से भी बताइएगा। बाकी मेरे हिसाब से है कि देखिए एजुकेशन में डीप फेक का यूज किया जा सकता है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में भी डीप फेक का यूज किया जा सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए डीप फेक का यूज किया जा सकता है। तो ये बेसिकली ये जो आर्टिकल है उसमें पॉजिटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं किया गया है, इसमें नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा की गई है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट जो डीप फेक का है वो अभी ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है, ठीक है। वैसे अगर पॉजिटिव की बात करें तो वही जो मैंने बोला आपको, एजुकेशन है, फिल्म प्रोडक्शन में डीप फेक का यूज़ किया जा सकता है, क्रिमिनल फॉरेंसिक्स में क्रिमिनल को पकड़ने में यूज़ किया जा सकता है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है डीप फेक को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बट दे कैन ऑल्सो बी मिस यूज टू एक्सप्लोइट पीपल, साबाटोज इलेक्शन, लार्ज स्केल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, तो डीप फेक का यूज़ हो सकता है। डीप फेक कब कैसे इमर्ज हुआ, डीप फेक के इमर्ज होने का रीज़न क्या है, तो वो रीज़न है दो टेक्नोलॉजी, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है मशीन लर्निंग, दैट ब्लर्स द लाइन बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 जो हम लोग विटनेस कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो मशीन काम करके खुद ही से सीख लेता है, और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी नोट्स तैयार कर लीजिएगा और मशीन लर्निंग पे भी नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स में ही पूछा जाएगा और मेंस में तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज करके डीप फेक क्रिएट किया जा रहा है। बेनिफिट थोड़ा सा आपने देखा, नेगेटिव्स यहाँ पे थोड़ा आपने देखा। पोर्नोग्राफिक कंटेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, पॉर्न वीडियोस जो बनाए जाते हैं वेबसाइट्स पे, तो उसमें सेलिब्रिटीज़ का चेहरा जो है वो सुपर इम्पोज कर दिया जाता है किसी और के साथ एंड देन उसको सर्कुलेट किया जाता है। तो ये इतना लेवल ऑफ मतलब कि इसका मिसयूज है और इतना लोगों के डिग्निटी को हर्ट कर सकता है, उनके प्राइवेसी को हर्ट कर सकता है, ठीक है। और जो सबसे खतरनाक एक और बात है कि इसके लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। अब ऐसे ऐसे आप ऐप आते हैं कि सेमी स्किल्ड पर्सन, अनस्किल्ड पर्सन, हम और आप भी अपने मोबाइल से डीप फेक वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में सोचिए कि मतलब कोई कहीं पे भी बैठा हुआ व्यक्ति जो है किसी का फोटो निकाल के कहीं किसी सोशल मीडिया साइट से और उसको कहीं पे सुपर इम्पोज कर देगा और उसको सर्कुलेट करा देगा, बाद में उस पर लॉ का शिकंजा कसेगा वो अलग बात है, बट उस आदमी का इमेज डिस्टॉर्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो ये ऐसा है कि भाई क्योंकि मशीन लर्निंग चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो हमें अपनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें बस डिवाइस यूज़ करना है। डिवाइस यूज़ करेंगे, बाकी काम सब यहाँ मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। हैंस डीप फेक इज़ वेरी मच अ थिंग टू बी कंसर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये दो तीन एग्जाम्पल्स हैं कि डीप फेक पे क्या काम किया गया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो है उसने क्रिएट किया एक वेबसाइट, डिटेक्ट फेक्स वेबसाइट, ठीक है, इसको भी एग्जांपल में दे सकते हैं। क्या है कि डीप फेक को आइडेंटिफाई करना, अगर किसी वीडियो पे आपको शक है उस वीडियो को इस वेबसाइट पे डालिए, वो माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करेगा और ढूंढ के निकाल देगा कि ओरिजिनल वीडियो क्या है इसका, डुप्लीकेट वीडियो क्या है इसका, ठीक है। स्मॉल इंट्रिकेट डिटेल्स को वो देख के और डिफ्रेंशिएट कर देता है कि डीप फेक है, ठीक है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हुआ कि देखिए भाई वो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसा काम कर रही है कि भाई डीप फेक जो भी है वीडियो या इमेज हो तो उसको डिटेक्ट करना है। तो ये आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, डिटेक्ट फेक्स वेबसाइट created by MIT to identify deepfakes, ठीक है। इसके अलावा एक रिपोर्ट है, देखिए डीप ट्रेस, ठीक है। डीप ट्रेस का रिपोर्ट क्या है, ये कहती है कि भाई 96% ऑफ डीप फेक्स वेर पोर्नोग्राफिक, जो 96% डीप फेक है दैट आर यूज्ड इन पॉर्न इंडस्ट्री, दैट आर यूज्ड फॉर पोर्नोग्राफिक क्रिएशंस, और उसमें 99% जो है ऑफ देम इन्वॉल्व वुमेन, ठीक है। तो ये ग्लोबल लेवल पे देखिए क्या मैटर ऑफ कंसर्न है, ये 96% पॉर्न के लिए होता है और उसमें 99% विमेन का मिसयूज़ किया जाता है, उनके इमेज उनके वीडियोस को मिसयूज़ किया जाता है, तो दिस इज सो मच ऑफ कंसर्न, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखेंगे, डीप फेक्स आर वेपनाइज्ड अगेंस्ट विमेन, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे व्हाट आर द लॉज अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ डीप फेक्स। तो भाई देखिए जो भी अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, अब आप बोलेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या होता है
बीपीएससी बेसिक्स के साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाइए, विजन आईएएस का मेन पीटी 365 का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बताया गया है, ठीक है, उसको आप देखें। और इवन की साइंस को लेके बीपीएससी में जो साइंस का सवाल अब पूछा जा रहा है उसको लेके अगर आपको कोई भी शक और शुबा हो, आप एनसीईआरटी का बहुत बेहतरीन लेक्चर बनाया गया है, उसका पूरा एक प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और इन्जॉय करें, सीखें कि साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। बीपीएससी के लिए वो विटामिन प्रोटीन रटने वाला जमाना बीपीएससी का चला गया कि विटामिन रट लेंगे, कैल्सिफेरॉल और नियासिन मियासिन, उससे अब काम नहीं चलने वाला है। What are the laws against the misuse of deepfakes? तो जो भी इस तरह का emerging technologies है, जो मैं बता रहा था कि emerging technologies जो हैं उनके खिलाफ तो अभी हमारे पास legislation है ही नहीं, हमारे पास law नहीं है, तो हम बना रहे हैं। तो हो क्या रहा है ना कि जो ये टेक्नोलॉजी और लॉ के बीच में जो रेस है, तो टेक्नोलॉजी हमेशा आगे है और लॉ उससे दो कदम पीछे रह जाता है, और इसीलिए मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि लॉ तो यहीं तक है और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होकर यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पे जो क्राइम हो रहा है उसको यहाँ के लॉ से मैनेज करना पड़ता है, और इसलिए कॉम्प्लिकेशंस होता है, इसलिए अलग अलग 5-7 लॉ लगाना पड़ता है। जैसे हमारे पास डीप फेक को लेकर लॉ नहीं है, ठीक है, तो इंडिया लैक्स स्पेसिफिक लॉज टू एड्रेस डीप फेक एंड एआई रिलेटेड क्राइम। AI रिलेटेड कोई क्राइम अगर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम ये पुराना वाला लॉ से चलेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और उसका सेक्शन 66E और डिफरेंट सेक्शन से यूज करेंगे। तो बस लॉ के नाम पे आप ये लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000 जो है उससे हम डीपफेक को मैनेज करेंगे। बताइए ये 2023 है, 23 साल पहले कोई कानून बनाया गया, वो आईटी के लिए कानून बनाया गया था, सिम कार्ड चोरी होता था, दूसरे का सिम यूज कर लिया जाता था, या फिर किसी को ऑनलाइन आके आप गाली दे दिए, तो उस तरह की चीज़ों को मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया था। अब 23 साल पुराने कानून से हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का जो प्रोडक्ट्स है, डीप फेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो सो वी नीड अ स्पेसिफिक लॉज टू हैंडल सच काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बट टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड इशूज, ठीक है। तो ये लॉ है हमारे पास, ये लिखेंगे एग्जांपल में कि हमारे पास लॉ है बट दिस इज़ नॉट सफिशियंट, और इसीलिए हमें स्पेसिफिक लॉ बनाने की ज़रूरत है। और लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस होना चाहिए वो पब्लिक से भी पूछा जाना चाहिए, और चूंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ है तो स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स का भी इनपुट लेना चाहिए, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस का इनपुट लेना चाहिए कि कैसे लॉ बनेगा। जैसे यहाँ पे मैसाचुसेट्स ने जो काम किया है तो यहाँ कंसर्न कर सकते हैं, डीप ट्रेस है उससे बात कर सकते हैं, और इस तरह का जो भी काम इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन कर रहा है उससे बात करके तब लॉ बना सकते हैं। आईटी एक्ट के अलावा और क्या क्या है, तो इंडियन पिनल कोड आईपीसी तो हर चीज़ में लगेगा ही, उसको तो लगा ही देंगे, तो आईपीसी है। अब यहाँ पूछा जा रहा है इज देयर अ लीगल वैक्यूम, तो द एग्जिस्टिंग लॉज आर नॉट रियली एडिक्वेट गिवन द फैक्ट दैट दे वेयर नेवर सॉर्ट ऑफ डिजाइन कीपिंग इन माइंड दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। देखिए बार बार इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रहा है, इसलिए इसको आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। लीगल वैक्यूम है, हाँ बिल्कुल है, जो आपको हम बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी और जो लॉ का रेस है कि लॉ भी बन रहा है और टेक्नोलॉजी भी बन रहा है, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रहा है, तो इसमें क्या है ना कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, लेकिन लॉ थोड़ा धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, उसके बनिस्बत पीछे पीछे चल रहा है, फ्यूचरिस्टिक लॉज हम नहीं बना पा रहे हैं, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है, ये लीगल वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। और वैसे भी देखिए अभी जैसे आईटी का डेवलपमेंट हुआ तो आईटी के लिए एक्ट बन गया, ठीक है। अब क्या है ना कि लॉ बनाते समय ये उस समय 23 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि डीप फेक टाइप का कोई चीज इमर्ज हो जाएगा, ठीक है, तो जब सोचे नहीं थे तो लॉ नहीं बना। अब डीप फेक आ गया है तो फिर कंसर्निंग जो अथॉरिटी होता है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर है या डिफरेंट कंट्रीज के जो भी लीगल बॉडीज हैं, तो वो फिर अब इस पर लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो लीगल वैक्यूम होने का रीजन यही है कि जो लॉ बनाया गया दे वेर नेवर सॉर्ट ऑफ डिजाइंड कीपिंग इन माइंड दीज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और पीसमील लेजिस्लेशन जो है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी भी इशू के लिए पीसमील अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं, आपको बीपीएससी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, ठीक है, और आप पीस मील एफर्ट डाल रहे हैं कि चलो यार एक वीडियो देख लेते हैं, दो वीडियो देख लेते हैं, 5 मिनट देख लेते हैं, उसका बंद कर देते हैं, दैट इज पीस मील एफर्ट। पीस मील एफर्ट आपको कभी भी फुल रिजल्ट नहीं देगा, पीस मील एफर्ट विल ऑलवेज गिव यू पीस मील रिजल्ट। तो पीस मील लेजिस्लेशन अगर होगा, पीस मील लॉज मेकिंग होगा, तो वो सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ठीक से इन एंड आउट 360 डिग्री घूम के सबका व्यूज लेके और उसके बाद हमें हॉलिस्टिक लॉ तैयार करना होगा, ठीक है। तो बिगर क्वेश्चन क्या है, बिगर क्वेश्चन इज कि व्हाट शुड बी इंडियाज रेगुलेटरी अप्रोच ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक एआई।
हमारा जो अभी अभी प्रेजेंट डे अगर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आप देखें तो जो सबसे बड़ा हमारे पास यक्ष प्रश्न है कि भाई हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इसको रेगुलेट करने के लिए। देखिए इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है, और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की भी हम बात कर रहे हैं। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है, और हमें हमारा टारगेट है कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, ठीक है, हमारे यहाँ कोई गरीब ना हो, हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा हो, ठीक है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और मजबूत हो, हमारा गवर्निंग सिस्टम और अच्छा हो जाए। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप कराना होगा, हमें अपने इकोनॉमी को डेवलप कराना होगा, और ये सब कब होगा, जब टेक्नोलॉजी का रोबस्ट यूज होगा, हाथ हाथ में टेक्नोलॉजी पहुँचा दिया जाएगा, जो कि आज मोबाइल के रूप में है, ठीक है। अब अगर इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है, तो जब रेस्ट्रिक्शन होगा और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होगा, तो ये जो हाथ हाथ में मोबाइल है वहाँ से इनोवेशन नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब इनोवेशन नहीं आ पाएगा तो इनोवेशन नहीं है तो फिर इकोनॉमी को जो मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलता है, जो किसी भी चीज़ को एक्सपोनेंशियली ग्रो कराता है, तो वो नहीं हो पाएगा। इनोवेशन को कहीं ना कहीं हम उसका गला घोट देंगे। तो इसलिए जो सवाल है कि AI रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ है या जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के वजह से जो थ्रेट हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारा रेगुलेटरी अप्रोच क्या होना चाहिए। हमारा रेगुलेटरी अप्रोच बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, कि हम इनोवेशन को भी ख़त्म ना करें और किसी के प्राइवेसी का भी हनन ना हो, ये दोनों को साथ में लेके चलना है। जैसे इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं कि आधार का केस चल रहा था, बोला गया भाई कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में है, तो फिर ऐसे कैसे इसको मांग लिया जाता है। तो वही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि भाई हम डेवलपिंग नेशन है, तो कहीं पर अगर ज़रूरी है तो वहां पे इन सब चीजों को देना पड़ेगा। यही बहस जो है वो आप DPSP और फंडामेंटल राइट के हिसाब से भी लगा सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि जब जरूरत है देश को इम्प्रूव कराने का, देश को डेवलप कराने का, वेलफेयर अप्रोच लेना है, तो फंडामेंटल राइट और DPSP जब है तो कभी कभी DPSP को प्राइमेसी दिया जाता है। ऐसे ओवरऑल फंडामेंटल राइट प्राइमरी है, लेकिन DPSP को भी जगह दिया जाता है। यहाँ पे बड़ा एक फेमस कोट है कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज आउट, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में कहा गया था, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद ये 24th या 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कहा गया था कि जब आर्टिकल 31C के बारे में सरकार कोई काम करेगी तो आर्टिकल 14 जो है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा, राइट टू इक्वालिटी के नाम पे इसको हम छोड़ नहीं देंगे, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो वही बात है कि आपको बैलेंस्ड अप्रोच रखना होगा, तो ये एक कंसर्न है, ठीक है। इस पर इतना क्यों डिस्कस किया, क्योंकि इस तरह के सवाल अब आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। एक तो है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हमारे पास डीपर अंडरस्टैंडिंग अभी उस तरह से डेवलप ही नहीं हुआ है, तो हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि अभी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो जो एंटायर बर्डन है वो आप ही पे आ जाता है कि आप जाइए कंप्लेन फाइल कीजिए, उसको फॉलोअप कीजिए। जैसे अगर अभी आपके पास साइबर क्राइम आपके साथ हो जाता है, कुछ फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन, तो आपके सारा बर्डन आप पे है। आप पुलिस स्टेशन दौड़ो, आप बैंक वाले से कोऑर्डिनेट करो, बैंक वाले आपको पैसा नहीं देंगे, बैंक वाले आपका कंप्लेन रजिस्टर नहीं करेंगे, आपको मिस इन्फॉर्मेशन देंगे, झूठ बोल देंगे कि हाँ हाँ हो जाएगा और फिर बोल देंगे कि नहीं हो पाएगा, पुलिस स्टेशन आप बार बार दौड़ो। तो ये पूरा जो बर्डन है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आप पे चला आता है कि आपने क्या किया था, कैसे किया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में भी अभी वैसा ही है, तो ये सिनेरियो चेंज होना चाहिए कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का पार्ट है। ये एक कॉमन सिटीजन, एक आम आदमी जो मान लीजिए कम पढ़ा लिखा है, तो उसके बस की बात नहीं है, तो यहाँ स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। हमारे सेंटर का यानी कि गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस है, तो सिंस ये न्यू क्राइसिस के तरह इसको एक्नॉलेज किया गया कि हाँ भाई ये न्यू क्राइसिस तो है, डीप फेक जो है इमर्जिंग ड्यू टू डीप फेक्स जो भी घटनाएं हो रही हैं, दैट इज अ न्यू क्राइसिस, इसको हैंडल करना है, ठीक है। तो इसके लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार करने की बात की गई है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजीव चंद्रशेखर, तो उन्होंने बोला कि एग्जिस्टिंग लॉज आर एडिक्वेट टू डील विद डीप फेक्स इफ इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली, ठीक है। उनका कहना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है अगर उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए तो इनफ है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो
एक हद तक ये बात ठीक है, लेकिन उसके बाद ये बात ठीक नहीं है। एग्जिस्टिंग लॉज जो है वो 20 साल पुराना है, 23 साल पुराना है, दैट कैन नॉट बी एडिक्वेट, क्योंकि वो लॉ इस बात को ध्यान में रखे फॉर्म किया ही नहीं गया था। हाँ, लेकिन इस बात में बहुत सच्चाई है कि अगर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो लॉ का जो, लॉ में क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ लॉ में दो पार्ट होता है, एक होता है लॉ बनाने का इंटेंट और एक होता है कॉन्टेंट। ठीक है, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, इन्फोर्स करने वाला, ये इंटेंट के तरफ है। ठीक है, कि इंटेंशन क्या है आपको, कि इम्प्लीमेंट कराना है कि नहीं कराना है, कराना तो किस तरह से कराना है, और कंटेंट क्या है कि आप सोचते हैं कि भाई किन चीज़ों को ये कंट्रोल करेगा, किन चीज़ों को मैनेज करेगा। ठीक है, तो इंटेंट और कंटेंट दोनों बैलेंस होना चाहिए, तभी लॉ अच्छे से काम कर पाता है। किसी भी चीज़ में इंटेंट और कंटेंट दोनों होना चाहिए। पीपीएससी आपको निकालना है तो आपका इंटेंशन अच्छा हो, और कंटेंट अच्छा ना हो आपके पास तो नहीं होगा। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है और इंटेंशन ही नहीं है, ठीक है, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, तो भी नहीं होगा। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इंटेंट एंड कंटेंट, तभी जो है बीपीएससी निकलेगा। ठीक है, एंड फॉर दैट मैटर कोई भी एग्जाम निकलेगा। इसी के साथ बोला गया कि एक स्पेशल ऑफिसर की व्यवस्था की गई है जो कि क्लोजली मॉनिटर करेंगे एनी वायलेशन जो इस तरह का डीप फेक रिलेटेड चल रहा है। तो इंडिया में क्या है कि इसको पहले तो एक्सेप्ट हमने किया है कि हाँ भाई ये क्राइसिस तो है, ड्राफ्ट रेगुलेशन की बात हो रही है और स्पेशल ऑफिसर की बात की जा रही है, बट ये मतलब कि एडिक्वेट नहीं है। ठीक है, हम ये लिखेंगे जब एग्जाम्पल में, एग्जाम में लिखना है तो लिखेंगे कि ये एडिक्वेट नहीं है, स्टेप्स टेकन इन दिस डायरेक्शन ये है, बट दिस इज नॉट सफिशियंट। तो सफिशियंट क्या होगा, तो हम ग्लोबल एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी हमारे से पहले वेस्ट में, यूएसए में, कनाडा में, यूरोपियन यूनियन में, जापान में, ये सब जगह डेवलप हो गया। ठीक है, अब चाइना का यहाँ पे नाम क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो है कम्युनिस्ट कंट्री। ठीक है, वहाँ डेमोक्रेसी से मतलब है नहीं, तो वहाँ पे जो लॉ बनेगा ना वो इंडिया जैसे डेमोक्रेसी के लिए सुटेबल नहीं हो पाएगा। वहाँ पे तो डायरेक्टली बोलेगा, ठप्पा मारेगा, बोला बंद करो। ठीक है, तो इंडिया में वैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया एक डेवलपिंग इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम एग्जांपल जो लेंगे वो ग्लोबल लेवल से लेंगे। तो अदर कंट्रीज क्या कर रहा है इस पे, तो एक तो है कि यूएस का प्रेसिडेंट जो है, जो बाइडेन जो है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है एआई से रिलेटेड मैनेज को, एआई रिलेटेड जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा वहां पे डीप फेक्स अकाउंटेबिलिटी बिल 2023 आया है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, डीप फेक्स अकाउंटेबिलिटी बिल 2023, एक डीप फेक के नाम पे कानून ही बन रहा है वहां पे। ये क्या करेगा, ये तय करेगा कि जो भी डीप फेक के क्रिएटर्स हैं तो उनको अपने डीप फेक क्रिएशंस पे लेबल लगाना पड़ेगा कि भाई ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये डीप फेक को क्रिएट करके बनाया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है कि हम चाहते हैं कि गांधी जी का फोटो वगैरह यूज करके और एकदम रियलिस्टिक गांधी जी को हम देख पाए, रियलिस्टिक नेहरू जी को देख पाए, रियलिस्टिक मार्टिन लूथर किंग को देख पाए। ठीक है, और को बात करते देख पाए, है ना, गांधी जी को हम ग्रेट अशोका से बात करते देख पाए, गांधी जी को हम चंद्रगुप्त मौर्य से बात करते देख पाए, तो डीप फेक का यूज करके ये सब किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहां पे लेवल लगाना होगा कि दिस वीडियो इज डीप फेक वीडियो। ठीक है, ये क्रिएटर को लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएगा तो सजा मिलेगी। तो इसलिए ये डीप फेक अकाउंटेबिलिटी बिल 2023 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा क्या है, यूरोपियन यूनियन जो है वो उनका जो अपना कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन है उसको और स्ट्रेंथन किया, उसमें अमेंडमेंट वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। क्या, कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन। तो देखिए ये कहीं भी ना, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन वाला जो भी क्वेश्चन आए तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं कि कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन यूरोपियन यूनियन का कानून है और जो कि अच्छा काम करती है, जैसे डेटा प्राइवेसी पे उनका GDPR एक एक्ट है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का, तो उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उसी तरह से कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन जो है इसका एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट प्रपोजल में अभी है, प्रपोज किया गया है यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट, तो ये भी कंट्रोल करेगा डीप फेक और बाकी इस तरह के प्रॉब्लम को। तो हमारे पास देखिए तीन एग्जांपल हो गया, डीप फेक अकाउंटेबिलिटी बिल 2023, कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन, ठीक है एक ये हो गया, यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि भाई इंडिया कैन लर्न लेसन फ्रॉम हेयर, है ना, इंडिया कैन फॉलो दीज थिंग्स बाय अडॉप्टिंग दीज लॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशंस।
ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया कि एआई गवर्नेंस। देखिए गवर्नेंस अभी तक क्या चल रहा था, गवर्नेंस चल रहा था एजुकेशन में, गवर्नेंस चल रहा था हेल्थ में, गवर्नेंस चल रहा था मिड डे मील स्कीम में, गवर्नेंस चल रहा था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, गवर्नेंस चल रहा था इलेक्शन को ठीक से कराने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सारे गवर्नेंस में अब टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, तो ई गवर्नेंस की बात करते थे। ई गवर्नेंस के अंदर में अब एआई आ गया है कि भाई एआई अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, तो एआई गवर्नेंस में हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एआई गवर्नेंस जो है दैट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड जस्ट मतलब सिर्फ लॉ बना के उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी, लोगों में अवेयरनेस है ना फैलाना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने पीछे देखा, ठीक है, कि एक तो डीप ट्रेस था और एक MIT इंस्टीट्यूट का जो अपना वेबसाइट बना हुआ था। तो ये इस आपको इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने पड़ेंगे जो इस चीज़ को मैनेज कर सके, समझ सके, ठीक है। जैसे आप देखिए फॉरेन पॉलिसी हम बनाते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी के लिए आप बहुत सारा इंस्टीट्यूशन देखेंगे, ORF है, ठीक है, और इस तरह का बहुत सारा इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन पॉलिसी पर रिसर्च करता है और गवर्नमेंट को इनपुट देता है, ठीक है। या इवन की यूनिवर्सिटीज जैसे JNU हो गया, DU हो गया, तो वहाँ पे जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं और गवर्नमेंट को इनपुट देते हैं कि अभी हमें फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज करना चाहिए। तो उसी तरह से AI गवर्नेंस है, तो AI गवर्नेंस को मैनेज करने के लिए लोगों में अवेयरनेस तो होना ही चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशन में बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। AI also provide, अब ये देखिए कितना प्यारा लाइन है, बैलेंस कैसे करता है। AI also provides benefits, so you have to assimilate it in a way that improves human welfare on every metric while limiting the challenges it imposes, ठीक है। तो बेनिफिट लेना है assimilate करके, ठीक है, और जो चैलेंज है उसको लिमिट करना है। एंड दिस शुड बी योर कंक्लूजन लाइक अ ब्यूरोक्रैट कि भाई बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है, धुआं से पॉल्यूशन हो रहा है बट फैक्ट्री चलाना पड़ेगा इंप्लॉयमेंट देने के लिए ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो सके, और ये जो धुआं निकल रहा है तो फिर पेड़ लगा के इसको किसी तरह से मैनेज करेंगे। बट देयर शुड बी अ मिडिल पाथ, ये नहीं बोलेंगे कि फैक्ट्री लगाएंगे ही नहीं, जब फैक्ट्री नहीं लगेगा तो लोग खाना कहां से खाएंगे, जो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है उसका फूड सिक्योरिटी का क्या होगा। तो पहला इंपरेटिव, पहला नीड हमारा फूड सिक्योरिटी है। तो उसी तरह से अगर हमें इंप्रूव करना है तो AI को इंप्रूव करना पड़ेगा। AI का यूज करके हेल्थ एजुकेशन में कितना अच्छा काम हो रहा है, एग्रीकल्चर में काम हो रहा है, सेंसर्स लगाया जा रहा है, वाटर इफिशियंसी आ रहा है, फर्टिलाइजेशन इफिशियंसी आ रहा है, क्रॉप का यील्ड बढ़ाया जा रहा है। तो AI को हम कैसे छोड़ सकते हैं, या AI रिलेटेड बाकी जो काम हो रहा है उसको कैसे छोड़ सकते हैं। सो वी शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच, और हमें चीज़ों को ढंग से एक 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 होलिस्टिक पिक्चर में देखने की जरूरत है। इंडिया कैन नॉट बी अ रेप्लिका टू अदर ज्यूरिडिक्शन, वही वाली बात कि ऊपर जो हमने कानून देखा वो US और UE की यूरोपियन यूनियन का बात था, चाइना का बात था, हम उसको इंडियन कंटेक्स्ट में ढालेंगे और अपने हिसाब से लगाएंगे। और ये जो आखिरी लाइन है, लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स कैन नॉट बी सो स्ट्रिंजेंट दैट इट इम्पीड्स इनोवेशन। तो लेजिस्लेशन से इनोवेशन का गला नहीं घोटना है, कानून का हाथ लंबा रखना है लेकिन कानून का हाथ गला घोटने वाला नहीं रखना है, नहीं तो फिर हम जो देखते हैं सपना $5 trillion इकॉनमी बनाने का 2030 तक या 2027 तक, हमें दुनिया का 2047 तक हमें दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलप्ड इकॉनमीज में जाके खड़ा होना है, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है विदाउट इनोवेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आज इंडिया में देखिए जो भी बाहर में कहीं पे भी इनोवेशन हुआ उसका यूज़ करके आज ई एजुकेशन का जो रिवोल्यूशन चल रहा है, आप कह सकते हैं एक रिवोल्यूशनरी जो वेव चल रहा है अभी, तो वो विदाउट इनोवेशन पॉसिबल नहीं था। आज गांव का बच्चा भी बैठ के वहाँ पे मोबाइल में, टैबलेट में या लैपटॉप में ठीक से वो चीज़ पढ़ पाता है जो दिल्ली के कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है या दिल्ली के स्कूल में और इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है। तो डेमोक्रेटाइजेशन जो है ना वो टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ा है, लोगों तक चीज़ें ज़्यादा आसानी से पहुँची है, लोग के हाथ में मोबाइल है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जा रहा है, ठीक है। बीच का जो करप्शन था वो कम हुआ है, ख़त्म तो नहीं हुआ है बट बहुत कम हुआ है, ठीक है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी को आप न्यूट्रल समझेंगे, ना ये प्लस है ना ये माइनस है, ये प्लस और माइनस हमारे इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं या टाइम वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और इसमें काफ़ी फैक्ट्स आपको मिले होंगे जो कि आप अपने मेन्स आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल, आई होप यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल, तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में बाकी प्लेलिस्ट का भी आपको वो लिंक वहाँ पर दिया गया है, सो चेक दोज वीडियोज एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।